तो बात है कि आजकल दीन स्ट्रेंज हो गया है, और वल्लाह इफ यू आर अ स्ट्रेंजर तो अल्लाह के नबी की बशारत है आपको, मतलब दिस इज समथिंग यू शुड लिव फॉर, फतूबा लिलगुराबा। तूबा का मतलब ये है कि या तो एक तो है खुशखबरी हो तुम्हें, यानी तुम लोग कामयाब हो, और तूबा जन्नत में एक वादी का नाम भी है, ब्यूटीफुल वैली, वो तुम्हारे लिए है, यानी अल्लाह के नबी तुम्हें बशारत दे रहे हैं। सो आखिरत पे जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं कहता हूँ जन्नत जहन्नम के बारे में बहुत पढ़ा करें, बिल्कुल क़यामत के दिन के बारे में बहुत पढ़ा करें, जितना आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ आखिरत के बारे में होगा ना, उतनी छोटी ये दुनिया लगने शुरू हो जाएगी आपको, मतलब द हायर यू गो ऑन एन एयरप्लेन द वर्ल्ड बिकम्स शॉर्ट यू नो एंड स्मॉल। मौत के बारे में भी, हाँ यू गो इन ईमान, दिस वर्ल्डली प्लेजर्स बिकम, यार मैं हैरान होता हूँ, देखें सुभान अल्लाह, बंदा सिर्फ एक अपनी मौत को याद कर लेना, आज देखें हमारे जो ग्रुप में वाया कि वो यार एक यंग बाइकर हाउ ही पास्ड अवे यार, दिस गाय डिड नो दैट, नेसन नाम था उसका, आई डोंट नो, आई सॉ द पिक्चर, माशाल्लाह जवान, अब उस बंदे को यार कल जरा सा भी एहसास होगा कि यार मैं आज नहीं होऊंगा यार, अल्लाह हू अकबर यार, यानी दिस इज हाउ क्लोज वी आर टू आवर डेथ, अक्सर हाजिर में लाइफ चेंज होते हुए ना यार, आप यकीन करें मेरे जानने वाले हैं, आपको नहीं पता कि यानी वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपको कोई अल्लाह ताला ऐसी बीमारी लाहक कर दे और आपकी पास वो खत्म हो जाएगी। यार अभी आप ग्रुप में शेयर हुआ था ना, हमारे वाईसी वॉलंटियर जो है, बिल्कुल उनका वो इट वाज इन टू ग्राफिक्स और वीडियो, बहुत नाइस बॉय, यंग और बड़ा ही डिसेंट बोला, उसकी नवम्बर में शादी थी, he had an accident and is fakat which one is he wo ahmed he was not in his senses or unki brain damage wagara kuch basically unka head injuries hui hai iski wajah se unka brain uski skull ki swell nahi kar saka wo andar diffuse karke so certain cells are not working and right now uski left side paralyzed hai wo pehchan nahi pa raha matlab thoda bahut senses mein hai badi matlab itni wo disturbing aap शिफा में है, हमारे कुछ ब्रदर्स मिलने भी गए, उन सबकी दुआ भी करनी चाहिए, बट आई वाज बात वही आती है, देखिए हम अभी जो बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि यार सीधे हो जाओ, अल्लाह ताला को वक्त नहीं लगता, मोहलत ये नहीं लगता, जब टाइम आ जाता है ना फिर मोहलत नहीं देता अल्लाह ताला, तो वल्लाह ही वही बात आती है ना कि बंदा जब हल्की से उसके ऊपर वो मुसीबत आ जाती है ना फिर उसके सारे फने खाने गनीमत जाना चाहिए वल्लाह ही, सुभान अल्लाह। वो ग्रुप में ब्रदर मैसेज करते हैं एसएन का, कुछ दिन पहले इनको मैसेज आया कि मैंने रिसेंटली बाइक ली है, आई कैन नॉट डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट एंड फीलिंग फॉर दिस बाइक, हा हा हा, मुझे इसके टायर्स चेंज करवाने हैं और सारा, अच्छा फिर ये देखें ये उसकी बिलोंगिंग से ग्लव्स, नारिल्लाह ये उसे ग्लव्स जो है ना फाइनल बिलोंगिंग उसके घर पहुंची है, इसकी जैकेट, और आज एक्सीडेंट हुआ है, ये सुबह सुबह हुआ है, सुबह शेल पंप की पिक्चर भी है, वन ऑफ आवर ब्रदर्स रोड विद हिम ये द ग्रुप ना, अली खालिद जो है, हां अली खालिद वो आज राइड भी गया हुआ था, हां इनके साथ मेरे ख्याल से राइड कर रहे थे, अच्छा अल्लाह हू अकबर, उन्होंने बताया, और वो एक टर्न था समझ नहीं आई, डाइड ऑन स्पॉट मैन, he never thought कि ये जो मैं ग्लव्स पहन रहा हूं ये जिंदगी में आखिरी बार पहन रहा हूं, मैं उतार कभी नहीं पाऊंगा ये एम्बुलेंस में मेरी मौत के बाद उतारे जाएंगे, जो बाइक का मैं सेल्फ ऑन कर रहा हूँ, जो मैंने रात को माँ जी को देखा है वो आखिरी दफा देखा है, और ये सबके लिए रिमाइंडर है, मम मात फकत कामत कियामत हो, अब उससे जो सवाल और जवाब शुरू होंगे उसकी कियामत आ अब ये गर्लफ्रेंड्स और पैसा और हराम रिलेशन और आपका जो है ना अब कैरियर, अभी कैरियर आपका सिक्योरिटी किधर है, अभी किधर ये चीजें, वो कुछ भी नहीं यार, मैं तो आपका किसी के साथ ग्रज था, आपको किसी बंदा बुरा लगता था, खत्म हो गया ना, किसी ने आपको आपको तंग करता था आप उस पे तपते थे, या कोई आपको गुस्सा चढ़ाता था, कोई बंदा नापसंद था, ये सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई यार, आप जो आप किस कुछ लोगों की रिस्पेक्ट गेन करने के लिए गुनाह करते थे वो कहाँ गई, अभी कहाँ है वो, इट्स ऑल एंड एग्जैक्ट, कुछ लोगों की गुड बुक्स में रहने के लिए आपने अल्लाह को नाराज किया गया, ना आपका पैसा सब ना आपके गुनाह, ना मतलब अभी इस वक्त आपका कुछ काम नहीं आएगा सवाय अमाल, सवाय अमाल के, और फायदा देने वाले अमाल फायदा देंगे, और ये जो एसन एसन नाम था इनका, हिज ड्यूरेशन हैज एंडेड फॉर इटर्निटी, यानी अभी इनकी जो मोहलत थी वो खत्म हो चुकी, अब जो उन्होंने जो इकट्ठा किया था अब उस पे इनको ट्रीट किया जाएगा फॉर हमेशा हमेशा के लिए, अब इनकी लाइफ नेवर एंडिंग लाइफ, सो बात है एक एक जो लम्हा है ना इट्स वेरी प्रीशियस, बस काश हमें इसका एहसास हो जाए, और लेट्स कॉल इट अ नाइट इखवान, अल्लाह ताला आपको जय खैर दे, और हमारी यूथ को समझने की तौफीक दे, और हम सबको समझने की तौफीक दे, और ये जो सेशंस हैं हमारे लिए हमारे सदका जारिया बनाए और हमारे लिए निजात का बायस बनाए, बेशक हम यही कर सकते हैं, I believe very beneficial for us as well, especially that death reminder, you know, we tend to forget, you know, we tend to forget our death,
right or wrong exactly. ऐसे ही day to day के कामों में अपनी हमारे goals या vision में ना change हो जाता है you know? यार आज के ज़माने में अल्लाह की बात हो रही हो दोज़ख और जन्नत की बात हो रही हो कितनी ऐसी बैठकें होती हैं मुझे बताएं और हमारे यंगस्टर्स वल्लाह आप अभी जाएं मस्जिद में जाएं अगर इशा की नमाज कहीं हो रही है कोई भी नमाज हो रही है आपको फर्स्ट रो में कौन नजर आता है कोई यंग आपको कोई शबाब नजर आ रहा होता है सारे बूढ़े हैं यार तब इबादत अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे लेकिन यार नाउ इज द राइट टाइम टू चेंज हां बिल्कुल और दूसरी बात ये है कि जी और यूथ को आप जो बातें करते सुने कि मैसी ने क्लब छोड़ दिया और वहां चला गया और ये इंफॉर्मेशन सारी है जस्ट टू बी कूल बिकॉज़ आई नो ऑल द स्टाफ मैं अपडेटेड हूं मेरा सॉफ्टवेयर अपडेटेड है सॉफ्टवेयर अपडेटेड है यानी कि असल सॉफ्टवेयर अपडेट वो होता है जब आप अल्लाह और उसके ठीक है यू कैन टॉक अबाउट वर्ल्डली थिंग्स नो डाउट उसमें ये नहीं कि हम हराम है बात ये है कि वो भी करें लेकिन आपकी जो मेन प्रायोरिटी है ना वो क्या होनी चाहिए हां लेकिन मैं अपने अगर टाइम के बारे में सोचूं ना तो ये सारे जो एवेन्यूज है ना वर्ल्डली मैटर्स के ये एट हैंड है आपके पास और ये आपको ना बार बार आके नोटिफिकेशन आ रही है और आपको इनवाइट करते हैं अगर मैं अपने टाइम के बारे में सोचूं व्हेन आई वाज बिकमिंग रिलीजियस तो वो जो दीन के एवेन्यूज थे ना वो पाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती थी बहुत ज्यादा ठीक है उसके बारे में सोचना पड़ता था उसके बारे में करने के लिए ना बहुत सारी चीजें पीछे छोड़नी पड़ती थी और फिर बड़ी मुश्किल से उन तक पहुंचा जाता था मिसाल के तौर पे अगर मैं ढूंढना चाहूँ कि यार मैं आज कोई लेक्चर किसी आलिम की महफिल में बैठना चाहता हूँ तो मुझे इतनी मुश्किल होती थी कि यार कोई है ही नहीं क्या करूँ मैं उसमें पता क्या होता है आपकी ना ये सब हम सबके साथ जब भी आप रिलीज आपको समझ ही नहीं आ रही थी बिकॉज आपका जो फ्रेंड्स का सर्कल फैमिली हर तरफ उधर है ही कोई नहीं कोई भी नहीं तो अब आप पहले अगर हो रहे हैं दूसरे हैं तो आपको बस फिर थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है बट वंस यू गेट आप वो कहते हैं स्टेप इनटू द डोर हो जाता है देन अल्लाह ताला भी तो आपके ऐसे ऐसे एवेन्यूज खोलता है कि आपको समझ भी नहीं आती कहाँ कहाँ से एंड यू गेट कनेक्टेड टू द राइट पीपल फिर अच्छे दोस्त बनना शुरू होते हैं वहीं से आपको अच्छी महफिलों का पता लगना शुरू देन यू स्टार्ट गोइंग टू दोस्त सो द फर्स्ट स्टेप ना वो मेरे ख्याल है एफर्ट डिमांड करता है और स्ट्रगल आपकी चाहिए मुलाकात है स्कॉलर के साथ सो फाइंड अ स्कॉलर लोकल मस्जिद है ऑथेंटिक स्कॉलर हो इंशाल्लाह ठीक है लेकिन जिस तरह से आपने भी तफसीर बताई और चीजें बताई हैं मुझे नहीं याद पड़ता यार कभी मैंने कहीं से सुना था यार कि ये लेक्चर्स हैं सीरा पढ़ो ये सीरीज सुनो और ये तफसीर पढ़ो बड़ा मुश्किल था यार तो अगर ये स्टेप आ गया ना तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएं अपने नफ्स पे और थोड़ा सा कंट्रोल करें आहिस्ता आहिस्ता और आपकी अपनी पर्सनल कोशिश जितनी होगी ना वल्लाही वही आपको उतना इंशाल्लाह आगे लेके जाएगी अल्लाह ताला की तौफीक से तो ये है कि आप फुटबॉल खेलें क्रिकेट खेलें जिम जाएं एंजॉय करें यार लाइफ को वल्लाही लेकिन अल्लाह ताला को राजी करना सबसे ऊपर रखें साथ साथ ना दुआ भी बहुत करें मुझे किसी ने एडवाइस दी थी और मैं बड़ा वो मतलब हमेशा याद रहती है कि कहते हैं अगर आप ना जब मैंने भी पूछा जब दीन की तरफ आ रहा था ना मैंने कहा था यार कैसे पता लगेगा सही इस्लाम क्या है और कौन से इतने मुझे फिरके वाले अभी हम बात करते तो कहा था यार आप हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना उसमें हर दफा पढ़ते हैं ना सिरात मुस्तकीम कहते हैं अगर सिंसियरिटी से नमाज पढ़ेंगे ना और सिंसियरिटी से सूरह फातिहा पढ़ते रहेंगे और दुआ करते रहेंगे इंशाल्लाह आप यू बी कनेक्टेड टू द राइट पीपल पहुंच जाएंगे अल्लाह ताला का वादा है लनहदीयन्नहुम सुबुलना हमारी वीकनेस है ना हमें इन बातों पर बिलीव नहीं होना